नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा किस गैर कानूनी तरीके से ओमान में प्रवेश करने वाले कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही आपको तो अलखोज में एक दुर्घटना घटित हुआ जिसमें आग लगने की वजह से क्या क्या उसमें नुकसान हुआ आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि ओमान से रिलेटेड नए नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओमान में, जैसा मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाया था कि ओमान में इस समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से ओमान में प्रवेश करने के चक्कर में वो पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं भाई। और मैंने पहले बताया था कि ओमान की पुलिस ने पहले ही बताया है कि ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद एक के बाद एक तकरीबन 96 आदमी इससे पहले गिरफ्तार हो चुके थे। अगर जो बात करें, जो नई अपडेट आई है उसमें अगर जो बात करें तो आपको तो देखिए 15 लोग गिरफ्तार हुए गलत तरीके से, वो भी पानी वाली जहाज से, मतलब ओमान में प्रवेश करने के इल्जाम में, मतलब गलत तरीके से उन पर 15 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि काफी बैड है। अगर जो आप, हालांकि आपको तो जॉब आप लेकर हर एक कंट्री में तो प्रॉब्लम चल रही है, उसमें तो कोई दो राय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको तो कि गैर कानूनन अगर जो आप किसी भी कंट्री में घुसोगे, वो भी पानी के रास्ते, समुद्री रास्ते से आप अगर जो घुसोगे तो आपके साथ आप समझ सकते हैं कि जो मतलब ओमान की नेवी है वो लगातार सतर्क रहती है ऐसे। और इस समय देखा जाए तो मतलब काफी ज्यादा भाई लोग गलत तरीके से पानी वाली जहाज से सोचते हैं चलो ओमान में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इतने 15 आदमी फिर नए गिरफ्तार हुए और 96 आदमी पुराने गिरफ्तार हुए थे, इसी तरह सेम पानी वाले जहाज से ओमान में प्रवेश कर रहे थे, जो कि काफी बेड है। गैर कानूनी किसी भी प्रक्रिया से आप बिल्कुल ओमान में न दाखिल हो, क्योंकि ओमान पुलिस लगातार इस पर सख्ती बरता रही है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ये बीमारी चल रही है, बीमारी की वजह से हर एक कंट्री में जॉब को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। दुबई हो गया, फिर कुवैत हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में तो पहले से ही ऑलरेडी है, लेकिन दुबई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, हर एक जगह मतलब जॉब को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो कि काफी बेड है। तो इस तरह की मतलब गैर कानूनी तरीके से ओमान में ना घुसे, जो कि काफी बेहतर रहेगा, वरना आपको यहाँ पे घुस भी जाओगे तो पुलिस पकड़ लेगी आपको, और पुलिस पकड़ लेगी तो आपको मालूम होगा कि आपको सजा भी होगा, फाइन भी आ सकता है, उसके बाद कितने दिन यहाँ ओमान के जेल में बंद रहना पड़ेगा, फिर आपके घर कितना प्रॉब्लम हो जाएगा ये आप खुद ही सोच सकते हो। उसके बाद सेकंड अपडेट की बात करें तो ये आपको बता दें कि अलखोज में, जो कि पब्लिक अथॉरिटी सिविल डिफेंस एंड एम्बुलेंस ने जो कि अपडेट दिया है कि अलखोज एक स्कूल में आग लग गया था। स्कूल में आग लगने से, हालांकि आपको तो इसमें मतलब कोई भी मतलब इंजरी या दुर्घटना नहीं हुआ, केवल आग लगने से जो भी मतलब आग तो लगा था उसको बुझा लिया गया, उस पर काबू पा लिया गया, उसमें कोई भी मतलब दुखद अपडेट नहीं निकल के आई कि कोई आदमी जल गया या कोई, क्योंकि लगातार ओमान में एक दिन पहले बहुत सारे मतलब लगातार देखा जाए तो पिछले दिनों गैस की वजह से ओमान में आग लग गया था, उसमें तो हालांकि काफी गंभीर रूप से मतलब घायल हुए थे, लेकिन इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।